हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रबनी इन्फोटेक। और आपने रेडमी नोट 5 प्रो के बैक कवर का गिव में पार्टिसिपेट किया था, तो आज मैं विनर का अनाउंसमेंट करने वाला हूं। तो हो सकता है आपके नाम भी इसके अंदर हो सकते हैं और आप जीत जाए एक रेडमी नोट 5 प्रो का बैक कवर। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए क्योंकि मैं उसका नाम जो है लास्ट में अनाउंस करने वाला हूँ। उससे पहले मैं मी बैंड 3 का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। बहुत दिनों के बाद मैंने अनबॉक्सिंग ट्राई किया है और मैंने इसे मंगवाया है मी स्टोर से, जो कि है ऑनलाइन एक एप्लीकेशन वेबसाइट। और इसका जो प्राइस है 1,999 रुपीज़ का प्राइस रखा गया है। आप चाहें तो आप अमेजन से भी मंगवा सकते हैं, वहाँ पर 3,000 का आप अगर अमेजन पे में वॉलेट में यूज़ करते हैं तो आपको 300 रुपीज़ कैश मिल जाएगा। उसके हिसाब से आपका जो बैंड का प्राइस है वो 1,700 तक आपको मिल सकता है, तो आप वो वाला भी दिमाग लगा सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर 1,999 रुपीज़ में यहाँ पर मी स्टोर से परचेज़ किया है। वाइट कलर का बॉक्स है, मी का लोगो दिया गया है और इसके अंदर आप पीछे की तरफ इसके पूरे स्पेक्स को देख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। और इसके अंदर जो यूनिट मिलेगा उसका फर्स्ट इम्प्रेशन मैं आपको दिखाऊंगा और डेडिकेटेड वीडियो में इसका पूरा का पूरा रिव्यू करूंगा, क्योंकि ये बैंड अभी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। अगर आप बैंड प्रीफर बहुत ही पसंद करते हैं तो आप ये बैंड को ले सकते हैं। मी बैंड 1 और 2 का ये अपग्रेडेड वर्जन है, इस तरह से मैंने इसे ओपन किया है। और इसके अंदर जो फिटनेस ट्रैकर है, बैंड का मेन यूनिट है, वो निकलते हुए आपको दिख जाता है। तो इसे मैं कर देता हूँ अभी साइड में और देख लेता हूँ कि बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई है। अगर आप बात करें स्ट्रिप की तो स्ट्रिप काफ़ी बढ़िया है और ये जो है स्किन फ्रेंडली है, काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। और मी बैंड 1 और 2 से डिफरेंट आपको देखने को मिलता है मी बैंड 3 का लुक्स, क्योंकि यहाँ पर कर्वी डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। स्क्रीन फ्रेंडली आपको ये स्ट्रिप देखने को मिलता है और ये स्ट्रिप आप रेड और ब्लू कलर में अलग अलग मंगवा सकते हैं, 200 रुपीज़ का प्राइस है। इसके अलावा आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर चार्जिंग केबल, इसके हेल्प से आप यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और आप इसे पावर बैंक के साथ या फिर चार्जर के साथ आप इसे कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो 110 mAh की बैटरी दी गई है। स्टैंड बाई मोड में 25 डेज का बैकअप दिया गया है और अपने फ़ोन के साथ इसे यूज़ करते हैं तो यहाँ पर 20 डेज का बैटरी बैकअप यहाँ पर बताया जा रहा है सभी यूट्यूबर्स की तरफ से। और यहाँ पर जैसा कि सभी ने यूज़ किया था 3 मंथ्स पहले यहाँ पर ये लॉन्च कर दिया चाइना के अंदर, तो ये बैंड काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन इंडिया में ये अभी अभी लॉन्च हुआ है जिसके हिसाब से मैंने यहाँ परचेस किया है। इसके अलावा यूज़र मैनुअल है, आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ से अगर आपको सेटअप करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सेटअप भी कर सकते हैं। जैसा कि इस बैंड में और कुछ भी नहीं है, मेन यूनिट यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें दी गई, स्ट्रिप है, बैंड ट्रैकर है और एक चार्जिंग केबल आपको दिख जाता है। बात करें इस बैंड की बेसिक स्पेक्स की तो यहाँ पर ब्लूटूथ वर्जन 4.2 पर बेस्ड ये बैंड काम करता है। एंड्रॉयड 4.4 और iOS 9 के ऊपर के डिवाइसेस पर ये बैंड जो है वो सपोर्ट करता है। अगर बात करें अंडर वाटर कैपेसिटी की तो 5 ATM प्रेशर तक ये जो है झेल लेता है पूरा का पूरा बैंड। तो यही कुछ बेसिक स्पेक्स हैं। अगर इसकी डिस्प्ले की बात करूं तो OLED 0.78 इंचेस का डिस्प्ले है। पीछे की तरफ आपको हार्ट रेट सेंसर आपको देखने को मिल जाता है, कर्वी डिज़ाइन है जो देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। और ये मी बैंड 1 और 2 से ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये पूरा का पूरा जो स्क्रीन है वो टच रिस्पॉन्सिव है और आप इसे कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं मी बैंड 2 की बात करूँ तो वहाँ पर एक हैप्टिक फीडबैक आपको देखने को मिलता था, लुक्स वाइज देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है और इस बैंड के अंदर आपको और कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये बैंड अभी चार्ज नहीं है, पूरा का पूरा डाउन है, 0% है। तो चार्ज करके मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा का पूरा रिव्यू दूंगा और बताऊंगा कि कैसे इसे पेयर करना है अपने फ़ोन के साथ और क्या कुछ स्पेक्स मिल जाते हैं, क्या कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। तो उसके लिए आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हमारा चैनल का पहला इंडिविजुअल गिव अवे, जो कि था Redmi Note 5 Pro का बैक कवर और उसमें 3 विनर्स का नाम अनाउंसमेंट का। तो इंडियास अपडेटेड ने जीत लिया है हमारा पहला इंडिविजुअल का फर्स्ट प्राइज, सोहम भट्टाचार्य ने जीत लिया ये सेकेंड प्राइज और विंटर
सोल्जर ने जीत लिया है थर्ड प्राइज। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड की कोई भी बात नहीं हो रही, तीन कवर्स थे और तीनों कवर्स आप लोगों ने जीता है। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आगे भी मैं ऐसा गिव अवे लाता रहूँगा आप सभी के लिए। तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस इस गिव अवे को जीतने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, कैसे क्लेम करना है, कैसे आप तक ये कवर पहुँचेगा, तो आप इंस्टाग्राम में जाओ, वहाँ पर आप तीनों विनर्स जो हो अपना मेल आईडी मुझे सेंड कर दो ताकि मैं आप तक कॉन्टेक्ट कर पाऊँ। आपका एड्रेस लेने के बाद वो जो आपका प्राइज है वो मैं आप तक पहुँचा पाऊँ कुरियर करके। यही सिंपल सा प्रोसेस है। जो लोग इस गिव में पार्टिसिपेट किए थे और नहीं जीत पाए उनके लिए कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट मंथ फिर से इसी मंथ मतलब गिव अवे लेकर आने वाला हूँ। तो ऐसा आप सपोर्ट करते रहिए। तो कुछ प्रोडक्ट के साथ इसी महीने में फिर से एक गिव अवे करने वाला हूँ, तो यहाँ पर आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या पता उसमें आप जीत जाओ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए इंस्टाग्राम लिंक में आप फॉलो करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक का पैसे देखते रहे मेरा चैनल रवनी इन्फोटेक।